नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमें दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली थी कि दिल्ली से तेजेंद्र बग्गा नाम के एक व्यक्ति को एक गाड़ी में अपहरण कर उसे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है और उसे रोका जाए। हमें जो आदेश दिल्ली पुलिस से मिले, हमने उन आदेशों की पालना की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अगर कोई ऐसा मामला था तो वो दिल्ली में ही दर्ज हो सकता था और पंजाब में ही तेजेंद्र बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज क्यों कराया जा रहा है। अनिल विज ने कहा है कि पंजाब क्या आम आदमी पार्टी का कोई टॉर्चर हाउस है? मामला दिल्ली में भी दर्ज हो सकता था, दिल्ली में पुलिस है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमें अपहरण की सूचना मिली थी और हमने उसी के मुताबिक तुरंत कार्रवाई की और हरियाणा पुलिस ने तेजेंद्र बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि पंजाब पुलिस क्या कहती है, दिल्ली पुलिस क्या कहती है, वो उनके बीच का विषय है। जो सूचना हमें दिल्ली से मिली, हरियाणा पुलिस ने उसके मुताबिक कार्रवाई की है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। किया कि तजिंदर बग्गा नाम के व्यक्ति को एक बलारो गाड़ी में किडनैप करके पंजाब की तरफ ले जाया जा रहा है और उसको रोका जाए, तो हमने उसको रोका कुरुक्षेत्र के पास, रोक के हमने दिल्ली पुलिस के हैंडओवर कर दिया उसका कि आप पार्टी के लिए पंजाब एक टॉर्चर हाउस बन गया है, क्योंकि अगर कोई केस है तो दिल्ली में भी तो पुलिस व्यवस्था है, दिल्ली में भी दर्ज किया जा सकता है। ये सारे केस पंजाब में दर्ज क्यों करवाए जा रहे हैं? हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।